जी मनापसंद आभार। चलिए मुकाबले की तरफ चलेंगे, दूसरा सेमीफाइनल। सलामी जोड़ी टीम कामोटे टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया फिर से एक बार, और यहां से 5 ओवर का मुकाबला होगा सेमीफाइनल 2, 4:52। और जल्दबाजी करने क्योंकि फाइनल का मुकाबला बचा है, और फाइनल के मुकाबले में कारगर टीम किसी एक टीम का इंतजार कर रही है, कारगर अंतिम पड़ाव में। और इसी तरीके से कारगर जीतने के बाद रामभाव पाटिल इनके ओर से 5,000 का इनाम कारगर को मिला। जिस तरीके से वैभव सूरज की बल्लेबाजी हुई और इनामों की बारिश कारगर टीम पर आज जरूर हुई, दोनों टीम ऑल द बेस्ट। कासर वडोली की बात करेंगे, पिछला मुकाबला तो 4 ओवर में 85 रन चेस किए, 1 ओवर रखे मैच चेस किया अयुब शेख और आकाश जी ने। ये दो बल्लेबाज थे जिन्होंने ये रन चेस किए 6 गेंदे बचाकर। ऐसे में कामोडे ने पहले बैटिंग ली है, तो कामोडे टीम को शायद 5 ओवर में वापिस 80-90 तो बनाने चाहिए। मुकाबला बढ़िया होगा, दोनों टीम ऑल द बेस्ट। और शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर बारकिया कामले और सुबोध गोवारी, दोनों टीम ऑल द बेस्ट, शो द गुड एंड क्वालिटी क्रिकेट। सेमीफाइनल 2, 25 मिनट का टाइमर ऑन है अभी। ध्यान रखें अगर 26 हुआ तो पेनल्टी लग सकती है। फील्डिंग टीम एक प्लेयर हाथ में, 4 पेनल्टी ये होगी कि आपका एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आएगा, ये पेनल्टी होगी। वक्त जाया न करे, गेम ऑन। सेमीफाइनल 2 गेंदबाजी करेंगे पिछले मैच का हीरो अयुब शेख, पिछले मैच में इनका बल्ला चला। चलिए इनको पहली गेंद पे स्वागत, भव्य दिव्य हेर तंगे शॉट, सुबोध गोवारी कमाल का ये खिलाड़ी, 6 रन। क्या बात है, आज सुबह से 3 मुकाबले कामोटे ने खेले, 3 बार 0 पे आउट हुए, 4th मुकाबला खेल रही है और पहली गेंद पे छक्का सुबोध गोवारी। एक और बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, पावर प्ले की ओवर है, शायद कैच मिलेगी, मुश्किल है लेकिन नहीं मिल पाई, छूट गई, कोशिश बढ़िया थी, मिड ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे गया, ये कोशिश कमाल की थी टीम कासर वडवली। और यहाँ से टीम कामोटे को करीब 1 रन मिला और टीम कामोटे का स्कोर है 2 बॉल 7 रन। बढ़िया मुकाबला, सेमीफाइनल 2 चलता हुआ, नेतलस टीम शायद सुपर 4 में रहेगी लेकिन ट्रॉफी मिलेगी, जो पिछला मुकाबला सेमीफाइनल 1 टीम नेतलस ने, टीम कारगर ने जीता, टीम कारगर गई मेगा फाइनल में। और यहाँ से जो टीम जीतेगी कारगर टीम के साथ अंतिम फाइनल का मुकाबला खेलेगी। अयुब शेख तैयार है और सामने बार क्या काम ले, दो बड़े खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ठाणे से अयुब शेख और दूसरा रायगढ़ से बार क्या काम ले, दोनों कई मर्तबा शो मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेले, दोनों का अनुभव अच्छा है, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने एक और मर्तबा। बार क्या काम ले, आप इनका बल्ला चलना जरूरी है, पिछले मुकाबले में इनका बल्ला नहीं चला, रोशन मात्रे परेश का बल्ला चला, इसीलिए टीम जीती सुपर 8 में, लेकिन ये सेमीफाइनल का मैच है। बल्ले के नीचे थी, बल्ले के जड़ में मिड विकेट पे गई, सुबह स्ट्राइक रोटेट करेंगे, रिस्की है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और यहाँ पे मैच मिलेगी सिंगल। सोचिए कासर वडोली टीम ने 4 ओवर में 85 रन, टूर्नामेंट का हाई स्कोर चेस किया, यानी कामोटे टॉस जीत के अगर बैटिंग लेती है तो इनको 90 लगने चाहिए, अगर 90 लगते हैं तो एक सेफेस्ट टोटल माना जाएगा, अगर 50 लगते हैं तो शायद इनके लिए खतरा भी बनेगा, क्योंकि पिछला मुकाबला याद करिए भिंगारी को कितने रन मारे, रघु परदेशी कुणाल नाइक बड़े गेंदबाजों को इन्होंने बड़े स्ट्रोक मारे। एक और बढ़िया शॉट, पिछले मैच की वही अनोखी अदा, यहाँ पे सुबोध गोवारी पेश करते हुए उम्दा शॉट है, हवाई फायर हवाई सफर, 6 रनों के लिए। आज गेंद पे 14 रन, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन इनका सबसे ज्यादा है, सुबोध गोवारी ऑन ऑफ फायर, पिक्चर अभी बाकी है और सुबोध गोवारी और बड़े स्ट्रोक खेलेंगे। फुलर लेंथ की बॉल, बल्ले पर सीधा लगी मिड विकेट पे, फील्डर है महज, अंतिम बॉल एक मिलेगा, लेकिन इसी एक के साथ पहले ओवर का खेल 17 हुआ समाप्त हुआ, जहां पर पहले पावर प्ले ओवर में पावर रेटिंग 2 छक्के लगे और टीम कामोटे का स्कोर है 6 अनमन कामोटे 15 रन 0 विकेट स्कोरबोर्ड पर। आरसीसी पेट ट्रॉफी आज अंतिम दिन है, आज अलविदा कहेंगे, लेकिन आरसीसी पेट ट्रॉफी ने काफी कुछ रंग दिखाए सभी को,
कई टीमें शायद धोखा देकर नहीं आ पाई, कई टीमें वक्त के हिसाब से आई, कई टीमों ने रंग बदला, लेकिन जिस भी टीमों ने रंग बदला शायद इसके बाद वो आरसीसी ट्रॉफी में इसके बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि जो भी टीमें यहाँ पर आयोजनकर्ताओं को हमेशा फंसाती है शायद उन्हें आयोजक वापस नहीं लेते। तो आने वाले सदी में ये ट्रॉफी और बड़ी होगी, और बड़े इनाम आएंगे, लेकिन नई टीमें खेलते वक्त आपको जरूर देखने मिलेगी। टीम का टोटल आयुब शेख ने दिए 15, लेकिन आयुब शेख की बल्लेबाजी की बात करें तो भिंगारी के खिलाफ पिछले मुकाबले में 48 रनों की पारी खेली, 50 के नजदीक पहुंचे थे आयुब शेख, शानदार बल्लेबाजी की। ओवर नंबर 2 कासर वड़ेवली की एक और बेहतरीन गेंदबाज एक गेंदबाजी करेंगे। ओवर नंबर 2 किरण के हाथों पे गेंद है। अब किरण शायद इकोनॉमिकल ओवर करने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। किरण केने बॉलिंग ट्रैक पर, पहली बॉल हाफ ट्रैकर बॉल मिड ऑफ डीप लॉन्ग ऑन पर खेला, वाइड लॉन्ग ऑन गैप पे गेंद है, दो फील्डर के बीच में लास्ट मोमेंट में रोका है, गेंद को फेंकेंगे लेकिन तब तक मिलेंगे महेश दो रन। कैलकुलेट क्रिकेट, सिंगल डबल से भी बात बनेगी, बूंद बूंद से सागर बनता है और बालकिया सुबोध की जोड़ी बूंद बूंद से सागर जरूर बनाएगी। कहते कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं, कामयाबी माथे के पसीनों पे होती है, और जितना पसीना बहेगा उतनी कामयाबी दोनों टीम को जरूर मिलेगी। गेंदबाज तैयार, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, लेकिन रफ्तार बहुत तेज है, शानदार गेंदबाजी। गेंदबाज कमबैक करते हुए, इस बार भी ताकतवर गेंदबाजी इनकी, गेंदबाज करण किरण केने बहुत बढ़िया, और टीम का टोटल रुका है मैच 17 पर। सुबोध गोवारी एक और बढ़िया गेंद, सिंगल डबल आ रही इस ओवर में, पहले ओवर में शायद 15 आए थे लेकिन ये ओवर इकोनॉमिकल रही किरण केने के द्वारा, बड़े स्ट्रोक ने आ रहे, ऐसे में टारगेट सेट करने में दिक्कतें निर्माण होगी टीम कामोटे को। दूसरा पावर प्ले चल रहा है, 3 खिलाड़ी सर्कल से बाहर है, अगर यहाँ पे बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे तो कामोटे के लिए थोड़ा मुश्किल बनेगा। हमारे मंच पर हमारे सम्मान्य प्रभाकर शेठ जोशी और कई मान्यवर बैठे हैं जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उनके द्वारा ओपनिंग सेरेमनी की आरसीसी पे ट्रॉफी की, और उन सभी मेहमानों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत। लगातार 14 दिन 5वां दिन है और मेहमानों की कमी नहीं है, और लगातार मेहमान जुड़ रहे प्रतियोगिता में। इससे पहले आपने A1 जोड़ी देखी परसों, बिल्कुल सुकेश डाकी साहब और नीलेश जी पाटिल, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा बाइक की टूर्नामेंट भिवंडी में होती है अंजुर में, वो भी आए थे। उसके बाद आज A1 जोड़ी आई, रंजीत जी मात्रे उद्योजक दिवे और सतीश मात्रे, उनका भी सम्मान किया। कई बड़े बड़े मेहमान आए आरसीसी पे ट्रॉफी में, जिनका यहाँ पर सम्मान किया गया, यही तो ट्रॉफी की खासियत है और ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट है। एक और फुल टॉस, गैप में जाएगी, मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं, सुबोध गोवारी का बल्ला चला है आग उगलता हुआ, एक और बेहतरीन चौका। शानदार बल्लेबाजी। कहते जो गिरने से डरते वो कभी नहीं उड़ते, गिरने से कभी नहीं डरना, अगर गिरने से डरोगे तो शायद आप कभी नहीं उड़ोगे। मुकाबला बढ़िया है, अकेले रहने से कभी मत डरो क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है। इस बार मिड विकेट को टारगेट किया, लगातार 2 चौके उसी दिशा में, गैप शॉट सिलेक्शन, 2 फील्डर के बीच में से मिड ऑन को चीरती हुई लॉग ऑन में निकल गई, एक और शानदार चौका, और इसी चौकर के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अंतिम 2 बॉल पे बड़े स्ट्रोक आए और इसी के साथ जय हनुमान कामोटे टीम का स्कोर बना 13.5 के रन से 27-0 विकेट के नुकसान पर।
डंका वाजतय आरसीसी संघाचा, रायगड ठाण्यात डंका वाजतय आरसीसी संघाचा, आरसीसी संघाचा संघ पेट गावाचा। लगातार तीन चौके मारे सुबोध गोवारी ने, पिछले ओवर में आखिरी दो गेंद पे मारे थे, इनको अभी मौका मिला फिर से चौका मारा। देखिए मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा तेरी अमानत है, और एक किस्मत का चौका सुबोध गोवारी को जरूर मिला। अब बची गेंदे तीन, इन तीन गेंदों पे सात रन दिए नितिन वैद्य ने, लेकिन नितिन नाराज है, उनके फील्डर लगातार गलती कर रहे। चलिए एक और बड़ा स्ट्रोक, अगर वो कैच नहीं छूटता तो शायद यह बड़ा स्ट्रोक नहीं आता। एक और बढ़िया उम्दा शॉट है, बेमिसाल टाइमिंग, बेहतरीन फॉर्म, बेहतरीन पारी छह रन। क्या क्रिकेट है आज, कामोटे चौथा मुकाबला खेल रही है, लेकिन सुबह से जो तीन मुकाबले हुए सुबोध गोवारी सस्ते में आउट हुए, लेकिन ये चौथा मुकाबला है जहां पे इनके बल्ले से तीन चौका एक छक्का और लगातार रनों की बारिश हो रही। यही तो क्रिकेट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, और ये सिक्का चला आखिरी उम्मीद। चलिए ये जैसे भी मारेंगे बाहर जाएगी शायद, लेकिन इस बार सुबोध गोवारी की किस्मत खराब है। इनसाइड आउट शॉट में डीप लॉन्ग ऑफ पे कैच लपक लिया, और इसी के साथ पहला झटका लगाए टीम जय हनुमान कामोटे को। आणि या हनुमानजी वाजकर यांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे। मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतोय हनुमानजी वाजकर, पेठ गावातील एक प्रतिष्ठित नागरिक व्यक्तिमत्व, यांचं इथे शुभ आगमन झालंय। मोस्ट वेलकम हनुमान वाजकर साहेब। देखिए कमाल का क्रिकेट है, कामोटे का स्कोर 40 है, लेकिन अकेले सुबोध ने 35 बनाए और बारके ने 5 बनाए। शायद थोड़ा सा उल्टा हुआ, क्योंकि ज्यादातर कभी कभी लोग सुनते हैं कि बारके ज्यादा बनाते हैं दूसरे खिलाड़ी कम बनाते हैं, लेकिन यहाँ सुबोध ने 35 और बारके ने 5, टोटल बने 40। बेहतरीन मुकाबला। आपके हौसलों को कभी ये मत बता न बताना कि परेशानी कितनी बड़ी है, आपके परेशानी को ये बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। विशाल दादा जोशी यांचे इथे आगमन, 5556 रावण बैलाचे मालक विशाल जोशी यांचं आगमन। रोशन मात्रे यहाँ पर बैटिंग करने के लिए, जिनके दो छक्के पेट के खिलाफ सबसे इंपॉर्टेंट रहे, वो ये खिलाड़ी इस बार बीट हुए अंतिम गेंद पर तीसरे ओवर के, और यहाँ से नितिन वैद्य की ओवर समाप्त हुई जहाँ पर उन्होंने करीब 13 दिए, एक विकेट लिया, और तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल कामोटे का 40 रन। अब बचिए दो ओवर, बढ़िया मुकाबला। कहते ना संघर्ष ना तूफान, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मुकाबले में मुसीबतें आएगी, तूफान आएंगे, बवंडर आएंगे, लेकिन आपको उनका सामना करना होगा। आज टेनिस क्रिकेट विश्व बहुत आगे पहुंच चुका है। आज गली में खेलने वाला खिलाड़ी दिल्ली से दुबई, दुबई से कतार, कतार से इंग्लैंड पहुंचा है क्रियो कप में खेलने के लिए। तो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म आपको टेनिस क्रिकेट में अब मिल चुकी है। ये खिलाड़ी जो अपने गांव के लिए खेलते हैं, इन खिलाड़ियों की बात करें तो ये खिलाड़ी 20,000 की मैचेस भी खेलते हैं, 2,00,000 की मैचेस भी खेलते हैं, और ये खिलाड़ी अपने गांव के लिए खेलते हैं। इनके शरीर पर जो टी शर्ट है ना, उस पर गांव का नाम होता है, उनके गांव की प्रतिष्ठा होती है, जिसकी वो पहचान बनाने के लिए यहाँ पे हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। पैसों के लिए आज के खिलाड़ी नहीं खेलते, आज के खिलाड़ी अपना नाम और आपके गांव का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं। जब टीम हारती है पूरा गांव मायूस हो जाता है, नाराज हो जाता है, जब पूरी टीम जीतती है तो पूरा गांव जल्लोश करता है, ब्रास बैंड लेके पूरे मजा करता है, इंजॉय करता है और डांस भी करता है। ऐसा आज का ये टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल है। बारके तैयार, चलिए इनसाइड आउट, बहुत बढ़िया शॉट है लेकिन फंस गए। वेरी गुड कैच, शानदार कैच का प्रदर्शन प्रसाद, प्रसाद ने ये कैच लपका डीप कवर पॉइंट पे, और बारके 5 रनों पे मैदान छोड़ते हुए।
क्या बात है, क्या टाइमिंग है डीजे वाले के पास, इसीलिए इनको बुलाया गया। डीजे रोशन बहुत बढ़िया, डीजे सैंडी चंद्रन से रोशन बिलोंग करते ऑपरेटिंग, और काफी बढ़िया आपके ऑपरेटिंग है। टाइमिंग सॉन्ग आपसे कोई सीखे, इसलिए दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं कि आप डीजे मास्टर और कौन सा गाना बजाएंगे। बार के आउट हुए लेकिन मैदान में आएंगे चेतन गोवारी, टीम का टोटल है 40, 2 विकेट, टाइमर ऑन है, आपको 5 ओवर कासर गोडवली 25 मिनट में समाप्त करने, क्योंकि अब वक्त हमारे पास कम है, 5:10, इसके बाद फाइनल का मुकाबला भी खेला जाएगा, तो लगातार वक्त की पाबंदी और समय का महत्व आप दोनों को पता होना चाहिए। कोशिश करना न छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। रनआउट का मौका शायद बनेगा, लेकिन गेंद डीप लॉन्ग ऑफ में गई, स्वीपर कवर पे फील्डर है और यहां से 1 रन मिलेंगे। टीम कासर वडौली की बात करें तो यह टीम बहुत फॉर्म में, इस टीम ने आज भिंगार के खिलाफ 85 रन चेस किए 1 साइड 24 गेंदों पे, यानी टीम कामोटे जानती है कि इनके खिलाफ बड़ा टारगेट होना चाहिए, ऐसे में रोशन मात्रे का बल्ला चलना सबसे जरूरी होगा। चलिए, पिछले मैच में एक पेट के खिलाफ चला, लेकिन इस बार भी धमाका, इनसाइड आउट शॉट स्वर्गीय शांताबाई जोशी स्टैंड के ऊपर से 6 रनों के लिए। नक्कीच आपण आरसीसी ट्रॉफीचं आयोजन पाहतोय आणि या व्यासपीठावर कविश जोशी, सेजल खांदेकर, भाया जोशी आणि छोट्या जोशी या सर्वांचं देखील फार मोठं योगदान राहिलं आरसीसी ट्रॉफीसाठी, त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार। त्याचबरोबर आई इलेव्हन ओवे आणि ओवे टीमचे म्हटलं तर आई इलेव्हन ओवे टीमचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुरुदादा म्हात्रे यांनाही विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर यावं। चलिए, एक और बढ़िया शॉट, हवाई फायर, हवाई सफर, खिलाड़ी बन गए दर्शक और गेंद निकल गई मिड विकेट के ऊपर से, रोशन मात्रे नाम का ब्रांड चिपक गया गेंद पे। एक और छक्का जो तेहलका पिछले मैच में किया वही इस मैच में, पिछले मैच में इनके 2 बड़े छक्के लगे थे, वो थे टर्निंग पॉइंट, और इस मैच में भी रोशन मात्रे का ये बल्ला चलता हुआ। रोशन मात्रे जानते हैं कि ये चेहरे किसी क्रीम पाउडर से नहीं चमकते, ये चेहरे चमकते मेहनत से, काबिलियत से। राजेंद्र भाई निकम वासी यांना विनंती असेल की आपण देखील वाशी गावातील राजेंद्र निकम भाई आपण ही व्यासपीठावर यावं। गुरुदादा आपलंही स्वागत आहे, इलेव्हन ओवे आणि उपाध्यक्ष म्हणून ज्यांची ओळख आहे, अलेजी शेळके, पोलीस निरीक्षक अलेज शेळके यांचं देखील आगमन झालंय, नितेश पाटील खारगर त्यांचंही आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक स्वागत। 53 लॉस ऑफ 2 विकेट टीम कामोटे, 3 बॉल 3 सिक्स, वर्ड बॅटिंग आउटस्टँडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मन्स, ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, सेमी फाइनल में इनका बल्ला चला, क्वार्टर फाइनल में इनका बल्ला चला, और ये बनेंगे सबसे बड़े खिलाड़ी। 8 नंबर की जर्सी, रोशन मात्रे ऑन फायर। इतने बड़े शॉट्स आप सभी ने देखे, जितना डरोगे उतने डराएंगे, आप कोशिश तो करो, बड़े बड़े सर झुकाएंगे, और ये कोशिश में कामयाबी, 3 बॉल 3 सिक्स, 3 बॉल 18, और ये खिलाड़ी खलनायक बनता हुआ बाजीगर। प्रेशर है गेंदबाज पे, व्हाइट बॉल, ये दबाव होता है, पिछले मुकाबले में अतुल काटे पे भी प्रेशर था, उन्होंने व्हाइट गेंद डाली थी, लेकिन उसके बाद गेंद डॉट फेंकी, जो नो बॉल दिया फील्डिंग पोजीशन में, लेकिन वापस उनको मौका मिला, फिर डॉट फेंकी, अब वाइट बॉल से रन आगे बढ़ेंगे, 60 रन टीम कामोटे, गेंद बची है अंतिम, 5 ओवर का मैच है, यानी टोटल 7 गेंदें बची है टीम कामोटे के पास, रोशन मात्रे और भी खेल सकते हैं। सेमीफाइनल 2, फील्डिंग क्लोज, बल्लेबाज का ध्यान भटकाने के लिए रखा है यहाँ पे, कासर वर्ल्ड टीम गेम प्लानिंग कर रही है, लेकिन रोशन मात्रे कई मर्तबा एक कारनामा और एक खेल कर चुके हैं। अंतिम बॉल गेंदबाज तैयार, चलिए एक और वाइट बॉल, ये लंबी ओवर करेंगे शायद, ये मैच की टर्निंग पॉइंट ओवर है, 3 छक्के और 2 वाइट लगे, इस गेंदबाज ने 21 दिए 5 गेंद पे, एक लंबी ओवर महंगी ओवर, और इस महंगी ओवर ने टीम मैच का नक्शा बदला है।
चलिए रिवर्स छक्का, स्विच इट रिवर्स, चार छक्के इस ओवर में। यह होता है सेमीफाइनल का खेल। जबरदस्त बल्लेबाजी, चार बॉल चार सिक्स, दो व्हाइट बॉल भी आए उसमें, 27 रन आए इस ओवर में जो राइट टर्निंग पॉइंट। और यहां से चार ओवर का खेल समाप्त हो गया, जहां पे बैटिंग करते हुए कामोटे टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड पे 67, लॉस ऑफ टू विकेट। डीजे चार षटकार, आणि त्यासाठी आमचे राममामा पाटील खुश झालेत आणि 200 रुपयाचं बक्षीस दिलंय, ते धन्यवाद राममामा। चलिए लेकिन चेतन गोवारी आप स्ट्राइक पर आएंगे, और चेतन गोवारी अगर लगातार 3 छक्के मारते तो हमारे मास्टर और पुलिस आलेश छेलके इनके द्वारा 1,500 का इनाम दिया जाएगा। आलेश छेलके ब्रास बैंड, देखिए जब भी पेट टीम जीतती है ना तो इनके ब्रास बैंड बजते पेट गांव में, और जल्लोष हमेशा होता है चाहे नाइट हो या डे रजनी डे मैचेस। आलेश छेलके का जो सिखाने का तरीका है वो काफी बढ़िया है, और बहुत बड़ा नाम है आलेश छेलके का इस सभी पडवेल में। जितने भी मास्टर बने आजकल आलेश छेलके के पास से जरूर सीख के गए, और ब्रास बैंड में इनका हाथ शायद कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी बढ़िया ब्रास बैंड वो प्ले करते हैं। नक्कीच नक्कीच, कारण अजून एक म्हटलं तर पोलीस निरीक्षक म्हणून त्यांची ओळख आहे सदरक्षकनाय बल। देखिए चेतन गोवारी को इनाम रखा क्योंकि चेतन गोवारी भी ब्रास बैंड बजाते, उनके सदस्य है। चलिए 3 छक्के का इनाम होगा, लेकिन गैप ढूंढी है यहाँ पे मिड विकेट पर। चेतन गोवारी भी कम नहीं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नाला चरण। लेकिन 71 रन बने 71 कामोटे के, 5 गेंदें बची है, और यहां पे चेतन अपने फॉर्म में 45 नंबर की जर्सी, रोहित शर्मा का ये फैन अपने जोहर और अपने अनोखी अदा पेश करता हुआ। अगर चेतन गोवारी का जादू जलवा चला तो और रनों की बारिश आएगी। एक और बढ़िया शॉट जलवा, धमाका धमाका तड़ाका 6 रन। जी हां, असंभव को संभव करे वो ये खिलाड़ी है। देखिए कामोटे टीम बता रहे हैं कि बारक्या कामले भरी स्टार खिलाड़ी अगर नहीं चले ना, फिर भी हमारे दूसरे खिलाड़ी जरूर चलेंगे। बारक्या 2 मैच में नहीं चले, सुबोध गोवारी चले, उसके बाद चेतन अभी चले, और रोशन मात्रे भी चलते हुए, और इसी के साथ कामोटे टीम का स्कोर है 77, 77 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये लंबी पार्टनरशिप है, 5 छक्के 1 चौका 1 सिंगल, कितनी बड़ी पार्टनरशिप है देखिए। आणि आपण पाहतो व्यासपीठावर आई ग्रुपचे उपाध्यक्ष गुरुनाथ दादा म्हात्रे यांच्याकडनं 5,000 रुपयाची या ठिकाणी आर्थिक मदत आली आहे, धन्यवाद गुरुनाथ दादा। क्या बात है, गुरुनाथ दादा म्हात्रे आई ग्रुप के सबसे बड़े एक और सदस्य है, और उनके ओर से ये इनाम 5,000 का आर्थिक योगदान आता हुआ। इससे पहले कई मेहमान आए, नगर सेवक भी आए, सभी ने यहाँ पर आर्थिक मदद दी, और सभी का हार्दिक स्वागत और सभी का सम्मान यहाँ पर जरूर किया जाएगा। रिवॉल्व चेतन गोवारी, रोशन नॉन स्ट्राइक गेंद पे है, शायद मौका नहीं मिल रहा है उनको। चलिए उनको शायद अभी भी मौका नहीं मिलेगा, कैच आउट होते तो, लेकिन ड्रॉप हुई कैच, स्ट्राइक रोटेट जरूर होगी, और यहां से रोशन मात्रे को जरूर मौका मिलेगा। 80 रन बोर्ड पे लग गए टीम कामोटे, एक सही और सेफ टारगेट सेट किया अभी इस टीम ने, लेकिन 2 गेंदें बची है, अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 90 के ऊपर जाएगा टारगेट। निटलर्स टीम आपला कॅप्टन यायचं लगेच व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे निटलर्स टीमचे कॅप्टन, स्वागत आहे आपलं, आयोजकांकडनं तुम्हाला आमंत्रण आहे। चलिए 2 गेंद, रोशन को आखिरकार मौका मिला अभी। ओहो हो, मौके पे फायदा, मौके पे छक्का, व्हाट अ स्ट्रोक। अगर वो कैच मिलती ना तो ये छक्का नहीं लगता, नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे आता, ये कैच छूटने का नतीजा था, स्ट्राइक रोटेट हुई, और ये देखिए जबरदस्त छक्का।
सरप्राइज सरप्राइज, द किंग इज बैक। पांच गेंद पे पांच छक्के लगे अभी तक, एक चाहिए इनको। छह गेंद पे छह छक्के मारेंगे रोशन, अभी इतिहास बनाएंगे। बॉल, क्या बॉल। मुकाबला बनाए रिवॉल्व सर, पांच गेंद पांच छक्के, बिल्कुल बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ ये टीम फाइट होगा ही मैच। मैं विनंती करतो यमेश भाई यांना की आपण व्यासपीठावर यावं, आपली जागा ही व्यासपीठावर आहे। यमेश भाई या पण करता आपलंही स्वागत आहे, आपले आयोजक तुम्हाला आमंत्रित करत आहेत या व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे। चलिए पांच गेंद पांच छक्के मारे, एक छक्का चाहिए, छह पे छह लगेंगे रोशन के द्वारा। आज इनका दिन अच्छा है, 86 रन 86 ऑन बोर्ड, क्या मुकाबला बनाए, एक बड़ा टारगेट सेमीफाइनल टू में। गेंदबाज तैयार है, क्या छह पे छह आएंगे, क्या रोशन का नाम लिखा जाएगा आरसीसी पे ट्रॉफी के पन्नों पर। मुश्किल था, काफी बढ़िया गेंद टर्न होती हुई गेंद ने काटा बदला, लेग बाइस पे आएंगे और इसी के साथ पहले इनिंग पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे टॉस जीत के कामोटे ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए इस टीम ने 87 बनाए। कंपल्सरी चेसिंग का मैच है, यानी यहां से कासर वडवली फिर से आपको एक और बार 88 बनाने होंगे आने वाली पांच ओवर में। यही कासर वडवले जिसने 24 गेंदे 85 बनाए, तो ये टीम पांच ओवर में 88 रन क्यों नहीं बना सकती, बिल्कुल बन सकते हैं क्योंकि उनके वही तगड़े खिलाड़ी उतरेंगे। मजा आएगा, रोमांचक मैच होगा, दिलचस्प मैच होगा। लेकिन दर्शक कहीं मत जाइए, जुड़े रहे आरसीसी पेट ट्रॉफी सीजन नंबर 9 और सेमीफाइनल 2 देखना ना भूले इस ट्रॉफी को, क्योंकि इसके बाद एक और मेगा फाइनल का मुकाबला बचा है जहां पर खारघर टीम इंतजार कर रही है कासर वडवली या फिर टीम कामोटे का। तर लक्ष्मण मामा आपण देखील यावं व्यासपीठावर, लक्ष्मण मामा ठाकूर मुरबे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि आपण पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाला आहे, आता लगेच मात्र प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये स्वागत सन्मान सोहळा संपन्न करीत आहोत। मी विशाल दादा जोशी आणि रणजित दादा घरत या दोन्ही व्यक्तींना विनंती करतोय, आयोजकांना विनंती करतोय की आपण आपले शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान करायचा आहे प्रेझेंटेशन बॉक्स अतिथी कक्षामध्ये। पाहुण्यांना आपण आमंत्रित करूया, यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल। आणि फायनल व्हायचे त्या मुलं आता आपल्याला अगदी घाई करावी लागेल। आपण बघितलं 5:22 झालीत, 6 इथे अंधार होतो, अजून एक मॅच कसा होईल त्यामुळे घाई करावी लागेल। चला बॅट्समन लगेच उतरा मैदानावर, चला प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या समोर कोणी राहायचं नाही। आई ग्रुपचे उपाध्यक्ष आमचे गुरुदादा म्हात्रे यांना मी विनंती करतोय की या पण अगदी स्वागत कक्षामध्ये आपला शुभ सन्मान केला जाईल। गुरुदादा म्हात्रे अनिरुद्ध जोशी अर्थातच आमचे अंकल, ते देखील इथे उपस्थित आहेत। राजेंद्र निकम, नितेश पाटील खारघर यांनाही विनंती आहे आपण देखील यावं। राजेंद्र दादा त्याचबरोबर नितेश पाटील खारघर यांचं देखील इथे शुभ सन्मान केलं जाईल व्यासपीठावर। आई ग्रुपचे उपाध्यक्ष गुरुदादा म्हात्रे यांचं इथे शुभ सन्मान। त्याच दरम्यान सन्माननीय करण कडू आणि रुपेश बोंद्रे या दोघांना विनंती आहे की मंचावरती या। बघा मॅच सुरू करायची, आपण स्वागत सुरू राहील, वेळ खर्च करू नका। अंपायर मॅचकडे आपण लक्ष द्यायचं, मॅच थांबली नाही पाहिजे कारण आपल्याला शेवटचा सामना खेळायचा रिवॉल्व। नक्कीच 25 आपल्याला मॅच संपवावीच लागेल कारण अजून एक फायनलचा सामना आहे, त्यानंतर आपण सन्मान करीत आहोत प्रत्येक मान्यवरांचं। अनिरुद्ध जोशी अर्थातच आपले अंकल यांचं देखील इथे शुभ सन्मान केला जात आहे या व्यासपीठावर। आपण मुख्य व्यासपीठावर पाहुण्यांचा तर तिथे सत्कार। वाचवावीच लागेल, लास्ट मोमेंट शेवटचा क्षण आला आहे, सेकंड सेमी फायनल, कोण जाणार फायनल मध्ये, कोण असेल चॅम्पियन आरसीसी ट्रॉफीचा, हे सारं चित्र पाहायला मिळते। तर पहिला बॉल पहिला ओव्हर निखिल गोवारीचा, पहिलाच बॉल मिस टायमिंग स्ट्रोक, फटका फसला आणि फलंदाज
आयुब शेख तंबू मध्ये जाऊन बसला पहिला गडीबाद. खेळाडू म्हटलं तर चालेल एक महंगी विकेट. रिवॉल्व सर सबसे बड़ा विकेट मैं कहूंगा कि 50 पीस दे मुकाबला आप कामोटे के पक्ष में आ गया. बिल्कुल बिल्कुल नक्कीच कौतुक करावं लागेल त्या गोलंदाजाचं. निखिल गोवारे ना काय पहिलाच बॉल पिकलाय पहा. धावांचं आव्हान आहे, धावांचं डोंगर रचलं होतं, परंतु 88 धावांचं टार्गेट इथे आपण बघितलं. अशा परिस्थितीमध्ये आहेत अय्युब शेख पहिल्याच बॉलवर गोल्डन डकचा शिकार झाला. खरं तर मागच्या मॅचमध्ये सिद्धिविनायक भिंगारे टीमच्या अगेन्स्ट 84 धावांची ज्यावेळी गरज होती त्यावेळेस 48 धावा या पट्ट्यानं काढल्या होत्या, नाबाद खेळी गेली होती. तोच अय्युब शेख लवकरच स्वस्तात अगदी बाद झालाय. ते मात्र पहा पाहायला मिळतं दुसरा बॉल तिथे मात्र तो देखील डॉट जातोय. त्या पद्धतीनं बॅट कट काहीशी म्हणून कडा घेतली होती, लाईटली ब्रश केलं होतं, बॉलनं बाटला आउटसाईड द कट. एज लागल्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातातून झेल निसटला. हे फार कठीण असतं यष्टीरक्षकाला झेल टिपण्यासाठी ज्यावेळेला बॅटची कट एज लागते. अगदी स्पीडली बॉल मात्र त्यानंतर ट्रॅव्हल देखील होतो. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन प्रसाद तांडेल. निखिल गोवारी खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगली सुरुवात. जय हनुमान कामोटे टीम आता हवी झाली आहे कासार वडवली टीमच्या अगेन्स्ट. 88 धावांचं लक्ष आणि काय बॅटिंग झाली आहे पहिल्या सत्रामध्ये अप्रतिम. पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न. आकाश मात्र नॉन स्ट्राईकला आहे. रिवॉल्व सर ये जो दर्शक आप देख रहे हो राईट साइड में पूरे कामोटे के दर्शक आहे. ये देखिए जितनी भी रिक्शा लगी है पूरे जोश में अपने गांव को सपोर्ट करने के लिए. जब डॉट गिनाई ना इन्होंने तालियां बजाई अभी, यानी बहुत खुश है सभी कामोटे के दर्शक देखिए सामने. आणखी एक डॉट बॉल. नक्कीच आपल्या रिक्षा अर्थातच बाजूला पार्क करून या आले असतील बरेच प्रेक्षक दर्दी. कामोटे गाव म्हटलं, कामोटे शहर म्हटलं तर खांदेश्वर आणि मानसरोवर स्टेशनवर बऱ्याच रिक्षा असतात, त्यांचा व्यवसाय असतो, परंतु आज व्यवसाय बाजूला ठेवला आहे आणि फुल मोटिवेट. भाऊ मात्रे कामोटे गावचे एक समालोचक आणि खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पहा इथे पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. प्रत्येकजण साहिल देखील साहिल गोवारीनं टिपलेला हा नक्कीच अतिशय चांगला प्रयत्न. आणि अशा परिस्थितीमध्ये दुसरी सिंगल धाव घेतली देखील नाही, म्हणजे आकाशने स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली, परंतु इथे मात्र निखिल गोवारीचा पहिला हा ओव्हर मेडन जातोय निर्धाव षटक. मैदानाच्या चोहोबाजूंनी टाळ्यांचा वाज झाला निखिलसाठी आणि काय येऊ नये काय सुंदर गोलंदाजी. प्रेस दरम्यान चिंद्रन गावचे मान्यवर प्रवीण शेठ घोडविंदे जे समाजसेवक आहेत. प्रवीण शेठ घोडविंदे सर या मंचावरती आपलं हार्दिक स्वागत या आरसीसी पेट ट्रॉफी मध्ये. रिवॉल्व सर ये ऐसा लग रहा है मुकाबला आप आकाश के हाथों में, क्योंकि आयुब शेख आउट हुए ना आप आकाश रेपाड़े जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा खेल गया इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी अभी. नक्कीच नक्कीच डेफिनेटली, कारण आकाश न 16 बॉल मध्ये 60 धावा देखील काढल्यात, म्हणजे त्याच्याकडे आहे क्षमता, त्याच्याकडे आहे गुणवत्ता. अशा परिस्थितीमध्ये आता बॉल बारक्याचा वाईड बॉल, पहिला अवांतर ही एक धाव मात्र धावपलकावर लागली. श्रीगणेश झालाय तो अवांतर धावेनं, म्हणजे धावपलकावर एक धाव बारक्या कांबले आणि त्यासमोर आकाश एक बिग बॅटल पाहायला मिळतोय, कारण आकाश देखील एक मातब्बर खेळाडू आहे. मित्रांनो उलटाच बॉल, येस आकाशनं हा भिरकावून दिलाय स्विच हिटचा पटका, रिव्हर्स स्वीपचा लाजवाब क्लासिकल स्ट्रोक, येस 6 रन. यश हा विजयच ठरतो. संकट आहे परंतु त्या संकटावर तुटून पडावं लागेल आणि आकाश मात्र सांगतोय की माझ्याकडे अजून ही आहे क्षमता. मनगटी ताकद डिपॅकवर्ड फेअर लेगला येतोय बॅक टू बॅक
दूसरा षटकार टोलेबाजी आकाश अपन कौतुक के लिए होते भ्रमेत कारण आकाश न मागच्या मॅच मध्ये 16 बॉल मध्ये 70 60 धावा देखील काढले आहेत परंतु इथे बॅकटूबॅक दोन षटकार मारून सांगतोय की अजून ही मॅच आमच्याकडे बॅलन्स आहे दोन षटकार टोटल स्कोर 13 रन्स 13 धावा धावफलकावर ऑन स्ट्राइक ऑन फायर आकाश बारक्या कांबळे अर्धातच विलास कांबळेवर प्रतिहल्ला चढवला जात आहे आओ अगदी विषम न खेळला चेंडू सरला रोशन मात्रेकडे जाणार जोपर्यंत रोशन पकडेल फेकेल तोपर्यंत स्ट्राइक देखील रोटेट मिळतील दोन धावा आकाश मात्र जास्तीत जास्त स्ट्राइक स्वतःकडे घेईल आणि कामोटे टीमला आकाशला स्ट्राइक घेण्यापासून नक्कीच वंचित ठेवावं लागेल याकडे लक्ष केंद्रित केलं जाईल आकाश मात्र या ठिकाणी कासार वडवली टीम मधून खेळत असताना अक्षरशः प्रत्येक बॉल वर प्रतिहल्ला चढवतोय प्रत्येक बॉल अटॅकिंग खेळतोय जेल यस इट्स अ सेकंड स्लीप मध्ये टिपला गेला जेल आणि आकाशच्या खेळीचा होतोय अंत प्रवीण करे तर पहा ही लढत आहे ठाणे विपक्ष रायगड कासार वडवळी ठाणे जिल्ह्यातून आलेला हा संघ दूरवरून त्यानंतर अगदी रायगड मधला हा नामवंत संघ अर्थातच जय हनुमान कामोटे मात्र पारड जड झालंय कामोटे टीमचं कासार वडवळी टीमच्या अगेन्स्ट धावा बघितल्या धावफलकावर फक्त 15 आणि गडीबाद झाले टोटल 3 गडीबाद 15 नवीन बॅट्समन मैदानात गोपाल येतोय आता मात्र पाचव्या क्रमांकावर खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय आरसीसी पेट ट्रॉफी अर्थातच 2023 हे आयोजन नवीन वर्षामध्ये हे आयोजन आपण पाहिलं आज 5 दिवसीय आयोजन आज मेगा फिनाले संडे फिनाले सुट्टीचा दिवस अनेक प्रेक्षक जोडलेत थेट मैदानावर आणि आरसीसी पेटचं मैदान म्हटलं नाही गावदेव पेट प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी पाहायला मिळतं कोलवरपतीचा बॉल गोपालसाठी होता बारक्याचा मात्र तिथे मात्र मिलेल सिंगल एकेरी धावेनं धावसंख्या धावफलकावर टोटल 16 28 धावांचं लक्ष आहे पहिला ओव्हर मेडन गेला निखिल गोवारीचा त्यानंतर मात्र 16 धावा आल्या आहेत 88 धावा म्हटलं तर फार दूर 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 अंतर आहे या मॅचचं आता मात्र प्रत्येक चेंडूवर षटकार मारावेच लागतील अगदी कठीण प्रसंग चला स्पिन टीम मीटिंग घेऊ नका गोलंदाज आपल्या मार्कवर निघा लगेच गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर तयार व्हा आणि लगेच क्षेत्ररक्षण सजवा दोन पॉवर प्ले सेकंड पॉवर प्ले देखील समाप्त झालाय आता 18 चेंडू आणि आता 72 धावांचं हे भलं मोठं आव्हान आहे 18 बॉल 72 रन्स अगदी कठीण आणि कठीण आव्हान आहे प्रवीण दशरथ पाटील सर असते ना तर ते म्हटले असते की एखाद्या हत्तीला चड्डी घालण्यासारखं हे आव्हान अठरा चेंडू आणि 72 कठीण आव्हान चला स्पीडअप करायचं आहे कारण अजून एक मॅच खेळायची आहे तुम्हालाच जिंकणाऱ्या संघाला उशीर होणार पंचांचा इशारा वाईट बॉल फेकल्यानंतर पहा बॉल वाढतो रन वाढते वेळ वाढतो
आणि तिथे मात्र एक वाईट बॉल फेकलाय गोलंदाज दैवत एक अनुभवी खेळाडू आहे. कामोरी टीम मैदानावर खेळत असताना पहा इथे मात्र पंडित गोवारी याच गावचे 40+ चे खेळाडू असतील. भाऊ मात्रे आज बरेच प्रेक्षक जोडले जात आहेत, परंतु इथे पहा गोपालच्या बॅट मधून येतोय. तिथे मात्र लॉंग ऑन ला टिपला गेलाय झेल बारक्यानं आणि समाप्त होईल आणखी एका खेळाडूचा खेळ. गोपाल बॅक टू डग आउट. डंका हवाजदय आरसीसी संघाचा रायगड ठाण्यात डंका हवाजदय आरसीसी संघाचा आरसीसी संघाचा संघ पेठ गावाचा आरसीसी संघाचा संघ पेठ गावाचा. नवीन बॅट्समन मैदानावर मजबूत शरीर एसटी असणारा हा पॅड घालून तयार राहा. हँगलोज पॅड थायपॅड सर्व काही परिधान करून तयारीत राहायचं. बॅट्समनने डगआउटमध्ये रेडी राहायचं आहे आणि बॉलरने देखील रेडी राहा. जास्तीत जास्त वेळ घेऊ नका. दैवतचा हा बॉल बॅट्समन मोहम्मदसाठी देखील हा डॉट जातोय आणि त्याच पद्धतीनं दैवत एक डावखुरा गोलंदाज आहे. मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती दैवतनं. बरेच प्रेक्षक आज सोहोबाजूंनी मैदानाच्या अगदी सोहोबाजूंनी खूप चांगला आनंद घेत आहेत या टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा सामन्यांचा. शॉर्ट पिच बॉल मिस टायमिंग स्ट्रोक हवेमध्ये झेल झेल खाली दैवत टिपलाच गेलाय. कॉट अँड बोल्ड आणखी एक विकेट विकेट क्रमांक 5 तंबूच्या श्रेयाला. संघाने टॉस साठी रिपोर्ट करा फायनल मॅच. परंतु कासारवडील संघाचे नवीन फलंदाज आपण तयार राहायचं लगेच. जसा विकेट पडेल ना आपण लगेच मैदानात जायचंय. नक्कीच सार्थ दानवी 11 खारगर टीम चा संघ नायक. आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. आणि हा खरती शॉर्ट पिच बॉल होता अगदी कट करायचा होता मधून. तिने ते डॉट बॉलची समाप्ती अशा पद्धतीनं 3 षटकांचा मात्र खेळ समाप्त झालाय आणि 3 षटकांमध्ये धावसंख्या जर बघितली तर अगदी कमी ती म्हणजेच 18 धावा धावफलकावर. आता 12 आणि 70 म्हटलं तर अशक्य अशक्य आणि अशक्य प्राय आव्हान. मॅचमध्ये थोडी औपचारिकता आहे परंतु लगेच मात्र त्याला गोलंदाज कामरेड टीम एकत्र येऊ नका. आता 12 आणि 70 धावांची आवश्यकता. रोशन मात्र येतोय गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर उभा असेल. मात्र क्षेत्ररक्षण लगेच सजवलंय डावखुरा फलंदाजासाठी. आता घाई केली जाईल कारण मी म्हटलं की संध्याकाळचं सत्र जसा सुरू होईल आयोजक आपल्या मागे घाई करणार आपण खेळाडूंच्या मागे घाई करणार.
अंपायरच्या मागे काही करणार. खूप चांगलं आयोजन आज पाहतोय कैलासवाशी रोहिदास क्रिकेट क्लब पेट आयोजित स्वर्गीय संदीप गरज स्वर्गीय सुनील जोशी यांच्या स्मरणार्थ आरसीसी ट्रॉफीचं हे आयोजन. आणि मात्र हाड लगावलेला टोला डावखुऱ्या फलंदाजानं सहा धावांसाठी षटकार. करणच्या बॅट मधून षटकार आलाय. हीच फटकेबाजी करावी लागेल, हीच टोळेबाजी करावी लागेल. 70 धावांची गरज आहे 12 बॉल मध्ये. आणि मी म्हणेन प्रत्येक चेंडूवर षटकार. आता 10 बॉल आणि 64 धावांची आवश्यकता. म्हणजे जरी आपण बघितलं 10 षटकार जरी मारले तरी मॅच विन होऊ शकत नाही. म्हणजे गोलंदाज वाईड न टाकता बॉल चांगले टाका. आणि इथे हवेमध्ये जेल आहे. रोशन प्रयत्न करतोय अगदी, पण बघितलं तर हा गोलंदाज गोलंदाजीमध्ये चेंडू टाकायचा आणि किती दूरवर धावत आला होता बघा. जवळजवळ 30-8 सर्कलच्या बाहेर तो धावत जाऊन जेल टिपण्याचा प्रयत्न केलाय. खूप चांगला प्रयत्न आहे, परंतु हा मॅच त्यांना स्वतःला सावध आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवून खेळावा लागेल. नंतरचा फायनलचा मॅच आहे. कदाचित इंजुरी झाल्यानंतर प्रवीण मग फायनलमध्ये तसा त्यांना नक्कीच मग त्रास होईल त्याचा एखादा खेळाडू. कारण जर आरसीसी पेटमध्ये ज्यावेळी बंटी जोशी इंजुर होतो ना त्यावेळी पेट टीम अगदी अडचणीत येत असतो. हा प्रयत्न आपली गुणवत्ता दाखवण्याचं कार्य करतोय बॅट्समन. व्हेरी गुड स्ट्रोक. करणच्या बॅट मधून आणखी एक षटकार. रायगड ठाण्यात डंका हा वाजतय आरसीसी संघाचा. रायगड ठाण्यात डंका हा वाजतय आरसीसी संघाचा. आरसीसी संघाचा संघ पेट गावाचा. गुड बॅटिंग करण. आपली गुणवत्ता दाखवत असताना पुन्हा एकदा हा चेंडू शरीराला लागतोय अलॉंग द बॉडी. शरीराचा वेध घेतला आणि अशा परिस्थितीनं डॉट बॉल समाप्त झाला. एक तिसरा चौथा षटक. औपचारिकता बाकी आहे. फार मोठं ओझ आहे मी म्हणेन कासार वडवली टीमच्या खांद्यावर. मॅचच सोडली आहे. येस थँक्यू सो मच कासार वडवली. कासार वडवली टीमचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच कासार वडवली. आपण जो आमचा वेळ वाचवला त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने तुमच्या टाळ्यांच्या आवाजानं तुमचं कौतुक केलं जातोय. क्या बात है, बहुत बढिया. कासार वडवली टीम बहुत बढिया. आयुष शेख धन्यवाद आपको ये